गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के उन सभी अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जो मई के मंथ में देखने को मिलने वाले हैं। अभी 2022 के पिछले चार मंथ में सैमसंग ने हर मंथ में 3 से 4 स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं और अभी मई के मंथ में भी सैमसंग काफी कमाल के इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स लाने वाला है। कौन कौन से फोन्स आ रहे हैं, क्या इनमें फीचर्स रहेंगे, सबके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहिए और काफी इंटरेस्टिंग फोन्स मई के मंथ में आने वाले हैं, तो लाइक बटन को अभी से प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं पहले स्मार्टफोन के बारे में। तो यहाँ पर सैमसंग की ए सीरीज का एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन गैलेक्सी A13 5G मई के मंथ में लॉन्च होने वाला है। इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर, रियर में 50+5+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैम सेटअप और फ्रंट साइड में 6.5 इंच की एक HD+90Hz की डिस्प्ले होगी। यह 5000mAh की बैटरी के साथ में आएगा जिसमें 15 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है। इसमें टाइप सी पोर्ट और 3.5mm का हेडफोन जैक भी दिया गया है। यह 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम के साथ में 128GB इंटरनल स्टोरेज के दो वेरिएंट के साथ में आएगा। दोस्तों यह 15 मई तक देखने को मिल सकता है और इसका प्राइस 13,000 के अराउंड ही रहने वाला है। वहीं अगले स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पर M सीरीज का गैलेक्सी M13 5G यह भी मई के मंथ में ही आ रहा है। इसमें गैलेक्सी A13 5G के सिमिलर स्पेक्स देखने को मिलेंगे, बस इसके रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा। तो यह स्मार्टफोन 11 से 12,000 के प्राइस में आएगा और यह भी 15 मई के अराउंड ही देखने को मिल सकता है। वहीं अब अगले स्मार्टफोन की बात करें तो सैमसंग की ए सीरीज का प्रीमियम स्मार्टफोन गैलेक्सी A13 5G यह भी मई के मंथ में ही मार्केट में एंट्री करने वाला है। इसमें 6.7 इंच की QHD+ डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसमें जो ये डिस्प्ले होगी है कर्व्ड एजेस के साथ आएगी जिसमें 120Hz की सुपर स्मूथ रिफ्रेश रेट मिलने वाली है। यह फ्लैगशिप ग्रेड के डिस्प्ले के साथ में आएगा, सो बेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर रहने वाला है इसकी डिस्प्ले को लेकर के। और कैमरा वाइज भी है ए सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। इसके रियर में वाटर ड्रॉप डिजाइन में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और थर्ड कैमरा होने वाला है 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम के लिए। तो कैमरा क्वालिटी भी इसमें नेक्स्ट लेवल की रहेगी और फ्रंट साइड में भी इसके छोटे से पंच होल में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड से इसमें काफी अच्छी क्वालिटी की फोटोज आने वाली है। अब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है जो कि 8GB रैम और 256GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ आएगा। तो परफॉर्मेंस भी इसमें फ्लैगशिप ग्रेड की रहेगी। इसके अलावा इसमें 5000mAh की बैटरी, IP67 रेटिंग, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में UI 4.1 भी देखने को मिल जाएगी। तो यह मई के लास्ट वीक में देखने को मिल सकता है और इसका प्राइस 40 से 45,000 के बीच ही रहने वाला है। वहीं अब अगले स्मार्टफोन की बात करें तो मई के मंथ में आने वाला अगला स्मार्टफोन होने वाला है M सीरीज का गैलेक्सी M33s 5G। अब यह 20,000 के प्राइस में आने वाला सैमसंग का बेस्ट 5G स्मार्टफोन होने वाला है जो कि M33 5G से कुछ इंप्रूवमेंट्स के साथ में मार्केट में आएगा। सबसे पहला इंप्रूवमेंट तो इसमें एक पंच होल डिजाइन वाली एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है जो कि 90Hz की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी। बाकी इसमें सेम 5nm की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ सैमसंग का एक्जिनोस 1280 प्रोसेसर मिलेगा जिसके रियर में 64+12+5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैम सेटअप और फ्रंट साइड में इसके 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आने वाला है। तो 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा और रियर में 64 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के चलते 20,000 के अंडर कैमरा क्वालिटी को लेकर के इसमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। इसके अलावा इसमें 6000mAh की बैटरी, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड UI 4.1 का सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिल जाएगा। बाकी इसमें ऑटो डाटा स्विच, इंटेलिजेंट वॉइस फोकस, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी जैसे सभी फीचर्स मिलने वाले हैं। यह मई के सेकंड हाफ में देखने को मिल सकता है और इसका प्राइस 20,000 के अंडर ही रहने वाला है। तो दोस्तों ये थे मई के मंथ में आने वाले सैमसंग के सभी स्मार्टफोन्स। उम्मीद आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही टेक वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।